कर्नाटक चुनाव से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आइए देखते हैं कर्नाटक इलेक्शन टॉप 9। आज से कर्नाटक में 48 घंटे के लिए पीएम मोदी चुनावी अभियान पर हैं। चित्रदुर्ग में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा, कर्नाटक में हमें फिर से डबल इंजन की सरकार बनानी है। बीजेपी सरकार दोबारा बनाना है, डबल इंजन की सरकार लाना है। कर्नाटक के लिए कांग्रेस ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने घोषणा पत्र को जारी किया। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने 200 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया है। कांग्रेस मैनिफेस्टो में बजरंग दल और पीएफआई जैसी संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही गई। कांग्रेस ने घोषणा पत्र में धर्म के आधार पर समाज में घृणा फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का ऐलान किया। बेंगलुरु में असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल उठाए। हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस का नहीं बल्कि पीएफआई का है। जब पीएफआई पहले से ही बैन है तो कांग्रेस आज पीएफआई पर बैन की बात क्यों कर रही है, उस पर कार्रवाई की बात क्यों कर रही है। कर्नाटक फतेह के लिए गृहमंत्री अमित शाह जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हैं। आज गृहमंत्री अमित शाह 3 रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे मादीवाला में रोड शो होगा। मादीवाला के बाद अमित शाह जयानगर और बेंगलुरु में भी रोड शो करेंगे। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज राहुल गांधी कर्नाटक में ताबड़तोड़ रैली और रोड शो कर रहे हैं। दोपहर 1 बजे शिवमोगा में जनसभा को करेंगे संबोधित। उसके बाद चिकमंगलूर में रैली होगी। राहुल गांधी चिकमंगलूर में ही रोड शो भी करेंगे। राहुल गांधी के साथ साथ प्रियंका गांधी भी कर्नाटक के चुनावी रण में उतर चुकी हैं। प्रियंका गांधी आज कई रैलियों के साथ चिंतामणि, होसाकोटे और शाम 7:15 बजे सीवी रमन नगर में मेगा रोड शो करेंगी। कर्नाटक चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी जोरों पर है। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी और बीजेपी ने चुनाव आयोग से प्रियांक पर सख्त एक्शन लेने की बात कही।